झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, उन्हें भड़काना, देश में दंगे करवाना, आग लगवाना, ये इस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। आइए देखते हैं इनके कुछ नए कारनामे, जिससे ये सारी बातें सत्य सिद्ध हो जाएंगी। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक झूठ बोलती कांग्रेस। झूठ बोलना हो, अफवाहें फैलानी हो, देश में दंगे कराने हो, अराजकता अस्थिरता फैलानी हो, तो हम सभी जानते हैं कि ये काम सबसे अच्छे तरीके से हमारे देश में कौन करता है और कौन कर सकता है। इसके कुछ ताज़ा उदाहरण हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहले तो ये इमेज देखिए, जिसमें प्रियंका वाड्रा जी ने किस प्रकार गलत फहमी, गलत बात फैलाकर लोगों को बरगलाना चाहा कि एक फौजी अपने बाप को आंदोलन में बैठे हुए देखकर दुखी हो रहा है। यानी इमोशनली जनता को झूठ के सहारे ये बरगला रही है। इसके अलावा हम देखेंगे, आपको तीन वीडियो हम लास्ट में अटैच करेंगे, जिसमें पहले वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेसी अधीर रंजन जो है वो झूठ फैलाकर एक तो मोटा भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरा ये अपनी चाटुकारी का से ये नहीं समझ पाए कि इन्हीं के पार्टी के कुछ पुराने नेहरू जी और ये सब लोग उस रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो पोल अपने अमित शाह मोटा भाई जी ने खोल दी। दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता जी बिल को हाथ में लेके ये बताते हैं कि इस बिल में लिखा हुआ है कि MSP की मंडियां खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, लेकिन जब अनुराग जी ने उनसे सवाल किया कि भाई कहाँ लिखा हुआ है वो बता दीजिए, तो वो हड़बड़ा गए और कुछ और ही बातें करने लग गए। यानी पार्लियामेंट में, जिसे ये लोग मंदिर कहते हैं एक तरीके का, वहां पे भी ये झूठ बोलने से नहीं चूकते हैं। तीसरा वीडियो आप ये देखिएगा कि एक कृषि कल्याण मंत्री चौधरी जी है जो साफ साफ कह रहे हैं कि यदि किसानों की रत्ती भर भी जमीन कोई बिजनेसमैन ले सकता है, ऐसा इस बिल में प्रावधान है, तो मुझे दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि कांग्रेसियों को जो भी इन्होंने ये किसान आंदोलन से लेकर भड़काया हुआ है लोगों को, वो सारी की सारी बातें सिर्फ झूठ है, बरगलाना है, जो इन सारे वीडियोज और फोटोज को देखकर आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, तो ईश्वर ही आपका कुछ कर सकता है। देखिए ये तीनों वीडियो। जय श्री राम। श्री अधीर रंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं, मैं गया तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टागोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए, तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। माननीय, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था। माननीय, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि सब जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है माननीय। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। माननीय, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टागोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ, और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टागोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। चाहे अनुराग ठाकुर जी हिमाचल, चाहे पंजाब और हरियाणा, सब हम एक ही थे, आज बेशक अलग अलग हुए हैं तो दर्द समझते हैं,
सर उसके बाद अगर मैं बात करूं ये बिल की, ये पहला बिल जो आप सर लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें ट्रेड एंड कमर्स, सर इसका अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की, सर क्योंकि बातें बड़ी की हैं, किसी ने इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं, नॉलेज से वेयर इट इज रिटन दैट मंडीज विल बी स्क्रैप, ये पढ़ना चाहिए सर कहां पे। मैं दसदा सारा कुछ, हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए सर। मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सच कह रहे हैं सर उनको बताना चाहिए सर। ही क्लेम्ड दैट इट इज रिटन इन द बिल दैट द मंडीज विल बी स्क्रैप्ड। वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड ऑन विच अंडर विच क्लॉज इट इज बीन मेंशन्ड। वो भी समझाना मैं, तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में ऐसा नहीं है सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर, माइक तो ऑन हो जाता है सर, ये शब्द वापस सर, माइक ऑन ना करें उनका सर। देखिए पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए, दूसरे आए वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। देश के किसानों को ऐसे गुमराह किया है क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये जो फसाद खड़ा किया है, ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। हो रही है आपको, मैं कह रहा हूं आपको इसलिए तकलीफ हो रही है, आपको बताऊं कि अगर प्लीज आज मैं यह कह दूं, बिट्टू जी सुनो, माननीय सदस्य सुनिए, अगर इसके अतिरिक्त आपको सच्ची बात कड़वी लग रही है, आज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आर को आपको तकलीफ हो रही है, आपको यह कानूनों की जानकारी नहीं थी इसलिए आप वैसे बोल रहे थे। मैं आज पूरी बात करता हूं सभापति महोदय जी, इसमें अगर व्यापार किसान अगर एडवांस पैसा दिया हुआ वापस नहीं भी देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई एसडीएम नहीं कर सकता इस कानून के अंदर है, तो फिर किसान की जमीन कैसे जा सकती है। आज मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, अगर जमीन किसान की 1 इंच जमीन जाने का अगर इसमें प्रावधान हो तो मैं मंत्री पद से अभी इस्तीफा दे दूं और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूं। इस तरह से किसानों को गुमराह ना करें। धन्यवाद। किसानों से गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं किसान यूनियन के यहां पर बैठा हूं, मैं आज कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के ये बिल बने और मैं आपको बताऊं।